नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और हमारे इस खास बुलेटिन कश्मीर डायरी में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की ओर शुरुआत करते हैं। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में चुनिंदा तरीके से एक के बाद एक की जा रही हत्याओं को मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की चर्चा की है। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख मनोज पांडे और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उन प्रमुख लोगों में शामिल थे। बैठक में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में आगामी अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजाम का विषय भी उठा। अमरनाथ यात्रियों के साथ साथ आम लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, इस पर भी करीबन 3 घंटे तक मंथन हुआ। अलग अलग वारदातों में लगभग 7 लोगों की हत्या होना निश्चय ही चिंता का विषय है और इस चिंता में कुछ कदम जल्दी उठाए जाने की जरूरत है। मिलिटेंट्स ने अपना तरीका तो बदला ही है, लेकिन इस ये कह करके भी काम नहीं चल सकता। उसका किस प्रकार से मुकाबला करें, राज्य प्रशासन ने उसके लिए कुछ कदम तो उठाए हैं, लेकिन जिस प्रकार से 1990 की तरह आज फिर से माइग्रेशन कुछ शुरू हो गई है। देखिए, बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। कश्मीर घाटी के हालात 1990 के दायने पर पहुंच चुके हैं। वहाँ से कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडित्स और बाकी लोग जो है उनका पलायन भी शुरू हो चुका है और उनको ज़बरदस्ती बंद करके सरकार रख रही है। इस एक दहशत का माहौल है। 1990 के बाद इस तरह की टारगेटेड किलिंग नहीं हुई। जो पिछले 10-15 साल में वहाँ बसे थे, आज उनको भी वहाँ से भागना पड़ रहा है। सरकार नाकाम है, विफल है, उनका सुरक्षा देने में नाकाम है। आज फिर वही हालत पैदा हुए जो 1990 में हुए थे। आपने कश्मीरी पंडितों के घर वापसी की बात की थी और उसके ऊपर आपने होड़ भी बटोरे थे पूरे देश में हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन 370 हटाने के बाद भी कश्मीरी पंडित, कश्मीर की जनता, मैं सभी जनता की बात करता हूँ, हालत में कोई सुधार नहीं है। आज भी 2 लोगों की हत्या हो गई जो मजदूर थे और चुन चुन कर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच स्थानीय सरकार की ओर से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीनगर के विभिन्न इलाकों में तैनात कश्मीरी पंडितों का जिला मुख्यालय में ट्रांसफर कर दिया गया है। श्रीनगर स्थित चीफ एजुकेशन ऑफिसर की ओर से जारी एक पत्र में इसकी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एक हाई लेवल मीटिंग की थी। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद रहे थे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। टारगेट किलिंग के बीच कश्मीरी पंडित टीचर्स का ट्रांसफर किया जा रहा है। जिला मुख्यालय में उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। 177 कश्मीरी पंडित टीचर्स का तबादला किया गया है। घाटी में लगातार बता दें कि टारगेट किलिंग की घटनाएं जो हैं आए दिन सामने आ रही हैं और इसको देखते हुए अब सरकार का बड़ा फैसला भी सामने निकल कर आ रहा है। टारगेट किलिंग के बीच कश्मीरी पंडित टीचर्स का ट्रांसफर कर दिया गया है। कश्मीर में लगातार बढ़ती टारगेट किलिंग की घटनाओं पर जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडित विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि केंद्र सरकार को कोई सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि टारगेट किलिंग पर रोक लग सके। और साथ ही कहा, कश्मीर है केवल मुसलमानों का ही नहीं, कश्मीरी पंडितों का भी है। विरोध कर रहे लोगों से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने, सुनिए। कश्मीर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वो तमाम लोग हैं जम्मू कश्मीर से जो यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन लोगों की मांगें क्या हैं जिसके चलते ये लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आप लोग जंतर मंतर पर विरोध जता रहे हैं, मांगें क्या हैं आप लोगों की? नहीं, हमारी मांगे सुरक्षा है। जो हमारे भाई बंधु वहाँ पे काम कर रहे हैं या जो रह रहे हैं, जो वहाँ से पलायन नहीं किए हैं, आज उनकी जान को एकदम खतरा है।
हम पिछले एक महीने से देख रहे हैं कि वहाँ चुन चुन के कश्मीरी हिंदुओं को मारा जाता है। सबसे पहले हमें आज सब बातें बोल के उनकी सुरक्षा को निश्चित कराना बहुत ज़रूरी है। ये प्राथमिकता हमारी भी है और सरकार की भी होनी चाहिए। वो कैसे करना वो सरकार को निर्धारित करना है, लेकिन उनकी सुरक्षा निश्चित होनी होगी जरूरी। इसके अलावा जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के वर्तमान में हालात बने हुए हैं, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कई बैठकें भी हुई हैं, सरकार बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफ़ी है? देखिए, मैं आपको यहाँ पे दो बिंदुओं पे आपको जो मैं रोशनी डालना चाहूँगा। पहला ये, इसका कारण क्या है? दूसरा ये कि इसका समाधान क्या है? कारण ये है कि देखिए, जब 2019 में 5 अगस्त को जब ये 370 हटाया गया था, ऊपर से कॉस्मेटिक जिसको बोलते हैं, ऊपर से वातावरण बड़ा साफ दिख रहा था कि भाई ये बहुत अच्छा है, सब कुछ नॉर्मल गुडी गुडी हो रहा था, लोग बिरयानी खा रहे थे बैठ के वहाँ पे। हम लोग वहाँ पे मंत्रालय में जाते थे, मंत्रियों से मिलते थे, अधिकारियों से मिलते थे, उनको बोलते थे वहाँ पे हम कि ये मत समझना, ये वहाँ पे एक बुलबुला जल रहा है और कभी ना कभी ये ज्वालामुखी फटेगा। आप ये बताएं मैम, जिस तरीके से परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, अब आप लोग चाहते क्या? हम तो पीस चाहते हैं, हमेशा ही पीस रहने वाले हैं लोग हैं, पंडित लोग तो शांति वातावरण से हैं। हम लोगों ने सिर्फ कलम उठाया है, हमने तलवारें गन नहीं उठाए हैं। कलम की वजह से हम आगे बढ़े हैं और कलम की वजह से हम यहाँ तक आज तक है। हमारे संस्कार ये नहीं है लड़ाई झगड़े। लेकिन देखा जाए तो टारगेट किलिंग की संख्या जो है वो लगातार बढ़ गई है। वहाँ पर जो कश्मीरी लोग हैं वो कह रहे हैं हमारा यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए, वो तो इसलिए हो रहे हैं कि जबकि ये एम्प्लॉयज को उनकी नौकरियाँ जो वहाँ पे है तो उनकी सीटें ले गए बैठे है, पढ़े लिखे लोग गए हैं वहाँ पे और उनको इसलिए निकाला वहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट उनको मिल जाएगी अब उनकी जगह पे, यही तो हो रहा है ना। और ये टारगेट कर रहे हैं राहुल भट्ट को, मारा क्यों मारा? ऑफिस में 50 लोग होंगे वहाँ पे, मुस्लिम लोग ही है, बीच में राहुल भट्ट क्यों गया? उसको टारगेट क्यों किया? वहाँ पे दूसरे भी थे, उसको उनको क्यों नहीं किया? सुन रहे हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये लोगों की नाराजगी है साफ तौर पर और ये अपनी नाराजगी दिल्ली के जंतर मंतर पर व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर पोस्टर भी लगाया गया है विरोध प्रदर्शन के लिए और इसके जरिए भी संदेश देने की साफ तौर पर कोशिश है। और इन लोगों की मांग है कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसको लेकर केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए, तभी जाके जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो पाएगी। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये लोग तो शांति चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं है कि घाटी में शांति बहाल हो सके। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार इनकी बातों को कब तक सुनती है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो हमें बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के जम्मू दौरे पर रहने वाले हैं। राष्ट्रपति 9 से 10 जून तक जम्मू में रहेंगे, जहां वो IIM दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति माता वैष्णो देवी के दर्शन भी करेंगे, जिसके बाद वो 10 जून की दोपहर देश की राजधानी नई दिल्ली को वापस लौटेंगे। कश्मीर घाटी में रोजी रोटी कमाने गए कश्मीरी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों ने वापस अपने घर का रास्ता पकड़ लिया है। कोई बस में सवार होकर लौट रहा है तो कोई हवाई जहाज की टिकट खरीद रहा है। कई जगह प्रशासन ने कश्मीरी हिंदुओं को रोकने के लिए उनकी कॉलोनियों में आने जाने का रास्ता भी कथित तौर पर बंद कर दिया है। घटनाओं के बाद अब कश्मीरी पंडितों ने घाटी से सामूहिक पलायन करने का ऐलान किया है। सर, अभी तो हमारे साथ काफी लोग सुबह से, तो बहुत लोग निकल चुके थे, तो हम थोड़ा लेट हो गए। तो मेरे साथ ही कम से कम अभी 15 फैमिलीज थी। अच्छा अच्छा। तो वो भी आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं वो लोग अभी। अच्छा, और सुबह से भी कम से कम 30-40 फैमिलीज आ चुकी है। अच्छा अच्छा। अभी भी 2-4 गाड़ियां आपके साथ आई जी? ये 4-5 गाड़ियां मेरे साथ ही आई है, ये गाड़ी भी है। तो क्या वहाँ हो रहा है अभी, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन तो बहुत वर्स्ट हो रही है। आपने देखा सुबह से ही आज 4 क्लीन हो चुकी है। तो अभी हमारी बहन 3-4 दिन पहले मरी, उसे स्कूल प्रमिसेस में, उससे पहले राहुल भाई मारे गए अपने ही ऑफिस के अंदर। तो हमारे लिए तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है कश्मीर में। तो ऐसी आप जैसे आप देख पा रहे हैं, हालात बिल्कुल फेवरेबल नहीं है माइनॉरिटीज के रिगार्डिंग। आप देख रहे हो क्या हालात अभी चल रहे हैं, अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे हालात हैं।
बस अभी पहुंचे हैं वहाँ से, बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं। हम भी रेडियड कंडीशन में रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कैंप जो हैं मतलब पंडित कम्युनिटी के, उनको तो मतलब पुलिस ने काफ़ी मतलब बाहर से सील ही कर दिया होगा, आपने देखा होगा। चलो हम रेडियड में थे तो ऐसे वैसे करके करके कपड़ों में निकल लिया हम, पहुंचे हम, देखते हैं आगे क्या रहेगा, गवर्नमेंट हमारे बारे में क्या सोचती है, लेट्स सी। तो जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा था कि सेफर प्लेसेस में आपको लेके जाएंगे 6 जून से पहले, आप क्या उससे मतलब आपको लगता है कि, लेकिन आप आ गए हैं यहाँ पर सेफर प्लेस, अभी ऐसे कश्मीर में कोई नहीं है, बैंकों में बंदों को मारा जा रहा है, स्कूल में मारा जा रहा है, तो सेफर प्लेस कहाँ पे है? हमारे लिए तो सेफर प्लेस आउटसाइड कश्मीर ही है, वो जम्मू है, अब आगे देखते हैं। इंसानियत एक शर्मसार होगी, निहत्ते पे गोली चला के, निहत्ते पे गोली चला के मुझे तो नहीं लगता किसी का फायदा हुआ होगा, और शायद ही कोई ऐसा मजहब है जो इस चीज को सपोर्ट करे, निहत्ते को मारना उसके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन अगर किसी को लगता है इस चीज को मार के उसे फायदा हो रहा है तो मैं उसे कहना चाहता हूँ वो भी किसी मां के बच्चे हैं कि वो भी टेम मार्केट में लगे हुए हैं, जो हमारे मार रहे हैं, एडमिशन की अपील करता हूँ, जानबूझ के इंसानियत को ही शर्मसार कर रही है। अगर हमारी हिंदुस्तान सरकार बाहर में फंसे इंडियंस को इवैक्यूएट कर सकती है, चाहे सीरिया हो चाहे कहीं हो, तो हम लोग को क्यों नहीं? क्या हम मतलब किसी और माँ के बच्चे हैं क्या? हम हिंदुस्तान के नहीं है, यही मेरी गुजारिश। और कुछ हमने सुना था अपने पेरेंट्स से, जैसे 1990 का जो हाल था, आज मुझे लगता है उससे भी बहुत बहुत घटिया हालात है। आजकल चाइनीज पिस्टल वहाँ पहुंचा हुआ है, जो किसी के भी जेब में, जैसे आपने आज देखा होगा जो विजय जी शहीद हुए हैं, कैसे वो एकदम से 2 सेकंड के अंदर आए, लोड किए और उनको फायर करके निकल भी गए। सर बिल्कुल डर है वहाँ, मतलब अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं है, जो कि आलजी साहब ने खुद भी शेखपुरा में ये बाइट दी थी, यहाँ अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं। वैसे ही अगर हम बाहर भी निकलते हैं तो कोई भरोसा नहीं रहता, दिमाग में ऐसा चलता है कि कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है तो ये यहाँ शूट कर देगा। वहाँ ऐसी हालात है, वहाँ रहने लायक बिल्कुल माहौल नहीं, खासकर हिंदूज के लिए। तो आज बहुत सारी फैमिली वहाँ से रिलोकेट हो चुकी है जम्मू के लिए, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारी कॉलोनीज में लोग रहते हैं उनको क्यों लॉक किया गया है? एडमिनिस्ट्रेशन अपना फेलियर क्यों छुपा रही है? उनको छोड़ दीजिए, उनके लॉक छोड़ दीजिए, वो घर आना चाहते हैं, वो वहाँ सर्व करने के लिए गया, वहाँ होस्टेजेस रहने के लिए नहीं गया। फिलहाल तो अभी तक हम लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और मैं और मेरी फैमिली हम कल ही आए हैं, क्योंकि कल जब दिन में एक साथ 2 बार ये सब कुछ हुआ, तो कल पहले जब रजनी बाला की जो डेट हमें सारी डिटेल्स पता चली, उसके बाद शाम को एक पिक्चर के साथ में एक हमारे पास एक नोटिस आता है विशाल नाम के लड़के का, कि ही इज द नेक्स्ट वन, उसके पिक्चर के ऊपर नेक्स्ट वन लिखा हुआ था। आफ्टर दैट हमारी फैमिली जो थी वो काफ़ी घबरा गई कि अब ये जो है 90s का दोबारा से दौर शुरू है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो उसके बाद हम चले गए, उसके बाद से हमारी कम्युनिटीज, मैं और मेरे साथ बहुत सारे लोग जो हम लोग रेंटेड हाउसेज में रहते हैं, जहाँ पे आपके पास कोई इसकी सिक्योरिटी नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोगों ने फिर आपस में डिसाइड किया कि अब जब इतना कुछ हो रहा है तो अब हमें जाना चाहिए। बिकॉज पहले राहुल भट्ट को उसकी चेयर पे मारा गया, अब रजनी वाला को उसकी क्लास में मारा गया, सो आई डोंट थिंक वहाँ पे अब कोई भी ऐसा हमारे पास रीजन बचता है वहाँ रहने। कश्मीर में प्रवासियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, 26 दिन में टारगेट किलिंग की 10 घटनाएं हो चुकी हैं। अब दक्षिण कश्मीर के शोपियों में आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया है। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने मजदूरों पर ग्रेनेड फेंका है, इसमें 2 मजदूर घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने शोपिया के अलगर जानापोरा क्षेत्र में एक ग्रेनेड फेंका और इसमें 2 प्रवासी मजदूर घायल हो गए। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और जैसे ही ब्लास्ट हुआ मौके पर अफरा तफरी मच गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भागने लगे। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक खूंखार आतंकी को मार गिराया है। इस आतंकी का नाम निसार खांडे बताया जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान 3 सैनिक और नागरिक भी घायल हुए हैं। मारे गए आतंकी के पास से सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के ऋषिपोरा इलाके में हुई।
मारा गया आतंकी निसार खांडे हिजबुल मुजाहिदीन का बताया जा रहा है। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और इस दौरान आतंकियों की तरफ से पहले फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।